वकील साहब, आपने तो एक सांप को अपने घर में पाल रखा है। हमें अगर पहले पता होता ना कि ऐसे कमीने लोग इस घर में रहते तो मैं अपनी बेटी को यहाँ कभी नहीं भेजता। अरे मैं तो कहता हूँ इसे गोली मार दो। जिन हाथों ने खिलाया उन्हीं को काट लिया। तुम्हारे भाई और जीजा जी की तरह सफल नहीं हो सके तुम। इसी जलन की वजह से तुमने उन लोगों को काल कोठरी में भेज दिया। खुश हो गए मुझे और मेरे बच्चों को सड़क पे लाकर। अरे इससे तो अच्छा था तुमने जहर देकर हम सबको मार दिया होता। सुभद्रा बोलने दो मां इसको। किसी को और आरोप लगाना है? कुछ बोलना है? क्योंकि अब मैं बोलने वाला हूं। कोई बोलना चाहता है? वहां जब मेरी छोटी बहन की लाश यहां से ले जा रहे थे तब ये रोना धोना कहां था? तब तो कोई कुछ नहीं बोल रहा था। उस वक्त मेरी बहन और भाभी के दुखी चेहरे कहां थे? इसलिए कि आप मेरी छोटी बहन से ज्यादा अपने पति को प्यार करती थी, या शायद आप जानती थी कि आपके पति भी अंजलि की मौत की जिम्मेदार हैं। चुप कर वरना तेरी जबान को लकवा मार जाएगा। नहीं मारेगा, क्योंकि जब मेरी जबान बंद थी तब आप लोग मुझे क्या क्या गालियां देते थे? चोर, निकम्मा, बलात्कारी। मेरी बहन की शादी के वक्त मुझे कुछ बोलने की इजाजत नहीं थी। अगर उस वक्त मैंने हिम्मत करके कुछ बोल दिया होता तो आज मेरी बहन नहीं मरती। आप लोगों के पति तो अभी तक जिंदा है, लेकिन मेरी बहन वो तो मर गई। जब वो मरी तब मैंने और माँ बाबूजी ने जो कुछ खोया वो आप लोगों ने नहीं खोया। मेरे बड़े भाई और मेरे जीजाओं ने घोटाला कर करके लाखों करोड़ों कमा के वो पुल बनाया, और जब टूटा तो बहुत सारे लोग मरे। उनके परिवार वालों ने जो खोया वो आप लोगों ने खोया। अब क्या हुआ भाभी जी, आपकी जुबा पे लकवा मार गया? जब जनता और अखबार वाले सच्चाई बाहर लाने वाले थे तब उनको भी पैसे खिला खिला कर सत्ता का डर दिखा दिखा कर उनका भी मुंह बंद करवा दिया, और वो बेचारे काका जी उनको बलि का बकरा बना दिया। इतनी सारी चलाकियां करने के बाद भी इन लोगों के पति नहीं बचे, सीधा जेल गए, क्योंकि उन्हें उन सब दुखियारों की हाय लगी है। ये उन लोगों की बद्दुआएं हैं, आपके बेटे का बदला नहीं है। बस कर बेटा, जी मां। वैसे भी मैंने फैसला कर लिया कि अब मैं इस घर में नहीं रहूंगा। आपके बेटे और बहू बेटियों की जिंदगी बर्बाद करने के बाद अगर मैं यहां रहा तो ये लोग ऐसे ही समझेंगे कि ये सब कुछ मैंने जानबूझ के किया, इस घर और जमीन को हड़प करने के लिए किया। फिर भी आप सबको मेरे कारण जो मुसीबतें झेलनी पड़ी हैं उसके लिए मैं माफी चाहता हूं। रुक जा, कहां जा रहा है? मैं कहीं भी जाऊंगा, कैसे भी जीऊंगा, लेकिन अपने बाबूजी का सर कभी झुकने नहीं दूंगा। बाबूजी, ये मेरा वादा है आपसे। नहीं बेटे, सच और झूठ की दलीलें सुनने के बाद मैंने कितने निर्दोषों को न्याय दिया और अपराधियों को सजा, और अभी तुझे परखने के बाद मेरा मन कहता है मैंने आज तक गलत फैसला नहीं दिया। जिसको रोना है रोने दो, दुखी होने दो, जिंदगियां बर्बाद होती हैं तो हो जाने दो, लेकिन तूने जो किया वो सही है। इस बाप को तुझ पर नाज़ है बेटे।